हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एनसीसी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगर तो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो स्टॉक्स की संभावनाएं हैं अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इस कंपनी के बारे में ज़्यादातर तो सभी जानते हैं, बट इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। और फाइनेंशियल रिजल्ट जो अभी तक थोड़े से इसके बिगड़े हुए थे, ये भी आगे चलकर सुधर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है जिसकी वजह से ये स्टॉक डबल भी हो सकता है कुछ ही टाइम के अंदर, क्योंकि अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो भी हम देखेंगे, और ये कितना जा सकता है इसी साल तो ये भी हम देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और सभी को मार्केट में प्रॉफिट हो सके। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एनसीसी लिमिटेड को। तो यहाँ पर नागार्जुना में आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये, और जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर तो सभी को इसमें पता है कि ये बिल्डिंग और हाउसिंग में काम करती है, रोड्स भी बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो वायर रहते हैं, बड़े बड़े केबल्स रहते हैं इसको बिछाने का भी काम करते हैं, वाटर एनवायरमेंट में भी इनका काम है, और इरिगेशन में काम है इनका, रेलवे में जो ट्रैक वैक बिछते हैं या फिर इनके ब्रिजेस जो बनते हैं सब इसमें सभी में काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये काम करते हैं रोड्स बनाने का और भी काफ़ी चीज़ों का। और यहाँ पर देखेंगे पावर प्रोजेक्ट में भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रहता है वही वो लेते हैं, और मेटल्स में भी लेते हैं काम, माइनिंग का जो काम है इसमें भी ये अपना काम लेते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो प्रोजेक्ट इनके पास बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिस वजह से स्टॉक का जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली गिर रहा था। तो स्टॉक का प्राइस भी हम देख लेते हैं किस तरह से गिरता हुआ चला आ रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इधर पर हाई बनाया हुआ था, इसके बाद से ये काफ़ी टाइम से कंटिन्यूसली एक साल से ये गिरता ही चला जा रहा है, यहाँ पर इसमें रुकावट देखने को नहीं मिल रही है। बट यहाँ पर इसमें थोड़ा सा स्टॉप आ सकता है, स्टॉक रुक सकता है, क्योंकि इसका जो लो है वो 45 बना हुआ है, 50 वीक का जो लो है इसका 45 के आसपास है। तो यहाँ पर इसका एक ब्रेक लग सकता है इसकी गिरावट में, और वापस ये स्टॉक उठ सकता है, क्योंकि जो डिसीजन लिए गए हैं कंपनी की तरफ से तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में तो अगर मैं चाहूँ तो बता भी सकता हूँ, और इधर पर ज़रूरत नहीं है वैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट की, ज़्यादा तो कुछ जानने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत इधर पर नहीं है, क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे थे वो कुछ ज़्यादा खास भी नहीं आ रहे थे। बट ये है कि थोड़ा बहुत उसमें सुधार देखने को मिला है अभी के क्वार्टर में, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। और जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो आप देख लीजिए, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो अभी 45.70 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ये भी अच्छी चीज़ है इनकी। और बाकी चीज़ें भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो इसका 52 वीक का हाई एंड लो है, तो 45.40 का इसका लो है, और हाई की आप बात करेंगे तो 119.20 का इसका 52 वीक का हाई है। तो ये अपने लो के एकदम पास में ही खड़ा हुआ है, यहाँ पर डाउन होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया है, 49.65 के प्राइस पर अभी ये ट्रेड कर रहा है करेंटली, और यहाँ पर वापस रिकवर होने के चांसेस इसलिए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं कि इसमें आपको अगर मार्केट लॉट की बात करें तो सिर्फ एक ही है इसमें मार्केट लॉट, और मार्केट कैपिटल की देखें तो 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैपिटल अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पी इसका कंट्रोल में है और ईपीएस भी इसका कंट्रोल में है। तो बाकी सब चीज़ें तो अच्छी हैं इसकी, और फेस वैल्यू भी 2 रुपये ठीक है, 2 रुपये काफ़ी है इसमें फेस वैल्यू, और बाकी चीज़ें तो आप जानेंगे। तो वेबसाइट्स पर आप इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए कि बस इन चीज़ों से आप बच कर चलें, वरना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोग फंस जाया करते हैं, तो इन चीज़ों से तो आप बचकर ही चलें, और बाकी चीज़ें आपके काम की नहीं है। जो भी काम की चीज़ है वो सबसे मेन चीज़ है कि कंपनी की तरफ से क्या डिसीजन लिए गए हैं जिस वजह से इसमें थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंट देखने को मिल सकता है हमको, तो वह मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनका अभी ए बी प्रोजेक्ट जो है, यानी कि आंध्र प्रदेश के जो प्रोजेक्ट हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन चल रहा था, स्लो आ रहा था वहाँ पर वर्क में, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ चुका था, जिसकी वजह से इन्होंने जो स्लो डाउन प्रोजेक्ट थे उसको 71.3 बिलियन के जो इनके प्रोजेक्ट थे वो इन्होंने क्लोज़ कर दिए हैं वहाँ पर, कि और ज़्यादा लॉसेस ना आ जाए वहाँ से। बट इनका जो रिसीवेबल प्रोजेक्ट स्टैंड है वो 2.9 बिलियन का है, थर्ड क्वार्टर में रहा है। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है, बाकी चीज़ें अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट इनके स्लो डाउन जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुके थे, जो भी अभी स्लो डाउन चल रहा है मार्केट में उसकी वजह से इनके प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो यहाँ पर
इन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को बंद करने की डिसीजन ले लिया है कि इन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दें जो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमको बड़े बड़े लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं आगे चलकर। तो उन चीज़ को उन्होंने बंद कर दिया, और जो अच्छी तरह से इनका चल रहा था काम जिन प्रोजेक्ट्स में, तो उन पर ये कंटिन्यू रहने वाले हैं। और भी जो नए प्रोजेक्ट हैं जिस पर वो काफ़ी अच्छी रफ्तार के साथ काम कर सकेंगे, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को वो लेने वाले हैं वहाँ पर। तो ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है कंपनी की तरफ से जो डिसीज़न लिया गया है। इसी की वजह से अब जो मार्केट में इस स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही थी, तो इसमें थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इसीलिए आप कर सकते हो, यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 49.50 पर, और अभी जो टारगेट दिया गया है वो 98 रुपीज़ का टारगेट दिया गया है। तो 98 रुपीज़ के टारगेट पर आप फोकस करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर हमारा पैसा डबल ही हो रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा पैसा डबल हो जाएगा अगर 1 साल तक आप थोड़ा सा वेट करेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल पाएगा। क्योंकि इन्होंने जो डिसीज़न लिया है वो छोटा मोटा डिसीज़न नहीं है, काफ़ी बड़ा डिसीज़न है, जिसकी वजह से जो इन स्टॉक्स में गिरावट थी वो वापस रिकवरी देखती हुई आपको मिल सकती है। तो इस स्टॉक के अंदर आप थोड़ा सा पेशेंस रखकर लंबे टाइम के लिए थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे, तो आपका जो अमाउंट है जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका डबल हो सकता है। तो बाकी चीज़ और क्या देखनी है आपको, तो और में तो आपको जो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, और यहाँ पर बस ओपनिंग देख लें आज के लिए। जो इंट्राडे की अगर बात करेंगे तो 51.05 से इसने ओपनिंग दी थी, और जो इसका हाई है सेम प्राइस के ही आसपास ही है इसका हाई, और 49 तक ये नीचे चला गया था। वापस थोड़ा सा रिकवर होकर वहीं पर क्लोजिंग दे सकता है ये, या थोड़ा सा और रिकवर हो सकता है मार्केट में इंट्राडे की बात करें अगर। तो वैसे तो मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा अगर हो सकता है कि इसी साल ये काफ़ी अच्छा रिकवर होकर आपको पैसा जो है आपका वो डबल करके दे जाए, तो इस पर आप गौर करके चलिएगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डिलीवरी कितनी उठाई जा रही है, 32% की यहाँ पर डिलीवरी उठाई जा रही है। लगभग यहाँ पर जो क्वांटिटी ट्रेडेड है वो 78 लाख के ऊपर इधर पर क्वांटिटी ट्रेड की जा रही है। डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर देखी जाए तो 25 लाख से ज़्यादा के शेयर यहाँ पर डिलीवरी में उठाए गए हैं। तो इस पर आप भी ध्यान देकर चलें इस कंपनी की तरफ। एनसीसी की बात है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल कंपनी है, और काफ़ी टाइम से स्टॉक्स में जो बड़ी गिरावट आई थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का पैसा फंस भी गया होगा। तो अगर उनका पैसा फंस गया है तो वो थोड़ा सा वेट करें, और जिसको अगर इन्वेस्टमेंट करना है अभी तो उनकी मर्ज़ी है, वो जैसे भी स्टडी अपनी कर लें वो, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर कर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। गाइज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से आप अब स्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं मेरे दिए गए लिंक से। तो यहाँ जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये देखिए ओपन हो गया, और फिर से करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ओपन डीमैट अकाउंट, यहाँ पर स्टॉक्स रेफर कोड यहाँ पर दिया गया है 294389। अगर आप डायरेक्टली ओपन करने जाते हैं तो ये रेफर कोड आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, और वरना आप इस लिंक पर दिए गए लिंक पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको जो रिडायरेक्ट कर कर सीधा गूगल प्ले पर भेज दिया जाएगा, वहां से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल करना है, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जब गूगल प्ले पर आपको आप स्टॉक्स ऐप दिखाई देगा तो आपको यहां पर इंस्टॉल कर लेना है। तो यहां पर देखेंगे आपको इंस्टॉल का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर इसको डाउनलोड होने देना है। बाकी ये जितने भी चीज़ें हैं इनसे आप दूर ही रहें, क्योंकि यहाँ कस्टमर सपोर्ट बहुत ही बेकार रहता है। इन कंपनियों में कस्टमर सपोर्ट ना मिलने की वजह से कंपनी में कभी भी आपके ट्रेडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उस वजह से आप इन सभी से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़रूरत में बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है, क्योंकि कस्टमर केयर कभी कभी कॉल नहीं उठाते हैं। वहाँ 5 पैसे में भी ऐसा ही रहता है, और एंजल ब्रोकिंग में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, ब्रोकिंग बहुत ज़्यादा कटती है, टैक्सेस तो कटते ही हैं गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा, ब्रोकिंग भी ज़्यादा चली जाती है, तो वहाँ हमारा प्रॉफिट पूरा खत्म हो जाता है, प्रॉफिट ही नहीं निकल पाता, लॉस होता है, तो लॉस हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो इन चीज़ों से दूर रहें। आप स्टॉक्स में कस्टमर केयर सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ऐप तो इंस्टॉल हो ही चुका है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपको अब जाना है क्रिएट एन अकाउंट पर। तो क्रिएट एन अकाउंट हम करते हैं, तो करने के बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, और ये डालने के बाद आपको सिर्फ सेंड ओटीपी करना है। तो सेंड ओटीपी करने के बाद आपको मालूम है कि ओटीपी आएगा और उसको फिर आपको एंटर कर लेना है।
तो ओटीपी डालने के बाद आगे का तो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा। तो जब भी आपको ओटीपी आ जाए तो आप ओटीपी उसको एंटर कर लीजिएगा, और ओटीपी आने के बाद की जो प्रोसेस है वो सेकंड पेज में आपको दिखा देता हूँ। तो सेकंड पेज पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपको फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, जो भी बीच में आया तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर आपको देखेंगे तो पैन कार्ड नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालनी है, जो पैन कार्ड पर आपकी मेंशन है वही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। अगर आप डायरेक्टली गूगल प्ले पर जाकर, मेरे लिंक के थ्रू नहीं जाकर, डायरेक्ट आप अगर गूगल प्ले पर जाकर और फिर आप स्टॉक्स इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको फिर तीन ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर रेफर कोड भी आपके लिए आएगा, जो मैंने आपको रेफर कोड बताया था 29438 9, तो वो आपको यहाँ पर डालकर फिर नेक्स्ट कर लेना है। और नेक्स्ट करने के बाद की प्रोसेस मैं आपको बता दूँ कि फिर अगर आप चाहो तो आगे के पेज आप खुद ही फिल कर पाओगे, बहुत ही इजी है। आपको बैंक डिटेल डालनी है और बैंक का प्रूफ डालना है, यानी कि आपका पासबुक आप डाल सकते हो, चेकबुक एक चेक डाल सकते हो जिस पर आपका नाम मेंशन हो, या फिर आप अपने जो भी एंट्री है आपकी 6 मंथ की उसको भी आप अपलोड कर सकते हो, उससे भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और फिर आपका नेक्स्ट पेज रहेगा जिसमें आपको ब्लैंक चेक यानी कि एक खाली पेपर पर आपको साइन कर वहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर आपका नेक्स्ट आएगा सबसे लास्ट में आधार कार्ड नंबर डालकर आपको उसमें ओटीपी सेंड कर ओटीपी वेरीफाई करना होगा, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपके 4 घंटे के अंदर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो फिर आपको वो आईडी लेकर मुझे दिए गए जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप सेंड करेंगे, तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि आपने मेरे ही लिंक के थ्रू ओपन किया है या मेरे रेफर कोड के थ्रू ओपन किया है। तो आपको फिर अपने टेलीग्राम चैनल से ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप लाइव मार्केट में कॉल्स लेकर काम कर पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। और अगर आप वो उसको फिल नहीं कर पाएंगे तो आप इसको इसी सेकंड पेज को फिल कर पैन कार्ड नंबर और ये डालकर आप नेक्स्ट कर दोगे और छोड़ भी दोगे तो आपको कस्टमर केयर कॉल कर आपका अकाउंट ओपन करवा देगा। और अगर आपने कोई भी डिटेल आपकी जा रही है तो आपको अगर कस्टमर केयर कॉल करता है तो आप उसको हम मेरा रेफर कोड बता सकते हैं, तो वो उस रेफर कोड के थ्रू आपका अकाउंट ओपन कर देगा, तो भी आप मुझसे ऐड हो जाएंगे। और चलिए देखते हैं अब हमारे इंटरडे कॉल्स। और एक चीज़ और मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टारगेट और एसएल लगाना बता दूंगा, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो उससे आप सीख लेंगे कि आपको टारगेट और एसएल किस तरह से लगाना है। तो बहुत ही ईजी होता है, कोई भी कर सकता है।